दोस्तों यहां पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। आज यहां पे ये आपका दोस्त आप सभी को बताने वाला है आपके एक और कॉलेज रिव्यू के बारे में जिसका नाम है डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च। अब यहां पे साफ तौर पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि भैया ये जो आपका कॉलेज है ये आपके मुंबई वाला कॉलेज नहीं है, ये आपका अकुटी पुणे वाला कॉलेज है जिसके बारे में हम रिव्यू का आज क्या बताने वाले आपको। अब सबसे पहली चीज ये जो कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था आपके ईयर 2012 में होने वाला था क्या हो चुका है ठीक है। अगर इसके लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन जो अकुटी पुणे दोस्तों, और स्टेटस की बात करूं अनएडेड नॉन ऑटोनोमस क्या कॉलेज है ये। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो कॉलेज है अप्रूव्ड किया आपके AICTE न्यू दिल्ली द्वारा अप्रूव्ड है दोस्तों। वहीं पे अगर इसके यूनिवर्सिटी बात करूं तो ये अफिलेटेड आपके पुणे यूनिवर्सिटी द्वारा के अफिलेटेड है दोस्तों। अब DTE कोड की अगर बात करूं 6802 इसका DTE कोड है, NRF रैंकिंग जो 300 है दोस्तों, ग्रेडेड बाय ये आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा क्या इन्हें ए ग्रेड क्या प्रदान किया गया है दोस्तों। वहीं अब इसके कोर्सेज के बारे में बात करता हूं। अब यहां पे जो कोर्सेज अवेलेबल है अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो कॉलेज है ये ग्राफ कर सकते हो, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला सिविल इंजीनियरिंग है, दूसरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। अब यहां पे इसके कट ऑफ प्लेस किए गए अगर मैं बात करूं वहीं पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 59281 आपका कट ऑफ है, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस के लिए 83809, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 101199, वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 280749, वहीं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 390238 आपका क्या रैंकिंग है। आप ट्यूशन फी की अगर बात करो तो जो आपकी 4 साल की ट्यूशन फी होती है वो 2.9 लाख से लेकर 3.93 लाख रुपीज तक क्या होती है दोस्तों। वही अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूं, जो प्लेसमेंट अभी तक कहा है ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट बता रहा हूं मैं, यहाँ पे आपके एक मीडियम प्लेसमेंट बता रहा हूँ, 3.80 लाख की क्या एवरेज प्लेसमेंट क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड की गई है। और अगर मैं पिछले साल के प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो पिछले साल जो है 78% ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे कॉलेज के उनको क्या प्लेस किया गया था, यानी मोर देन 500 स्टूडेंट्स को क्या प्लेसमेंट मिली थी आपके पिछले साल के आपके कैंपस प्लेसमेंट में दोस्तों। तो यहां पे आपको ये सारी चीजें थी, अगर आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपके आने वाले दिनों में आपके काउंसलिंग से लेकर आपके कैप राउंड से लेकर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर सारी चीजें आपके क्या होने वाली इस चैनल पर आपको क्या प्रोवाइड होने वाली है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप और भी कुछ चाहिए, आपको और भी कोई चीजों की रिक्वायरमेंट या फिर और भी कोई कॉलेजेस के बारे में हम अगर आपको रिव्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं कि आप हम आपको प्रोवाइड करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों।